अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लोकसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। आचार संहिता लागू होते ही जिलाधिकारी राजौरी ने राजस्व विभाग को क्षेत्र में राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग को हटाने और वॉल पेंटिंग को पुतवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहता हूँ, ये जो नया प्रोसेस नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जब इलेक्शन की नोटिफिकेशन होती है और मार्केट वोट आप करने के लिए जो होता है जितनी होती है हमें इसमें देने पड़ती है, क्योंकि सभी जगह चल रहा है। इसी के माध्यम से आज हमने देखी है, तो ये जवाहरनगर जिले के ओडिशा के सामने आईटी ये सराहनी वाला एरिया और खंडवाल में ये आज हमने कर दिया, और इसके बाद जहाँ जहाँ मिलेंगे हम इस तरह के कोशिश जो पर्टिकुलर भेजते हैं सारे हमने एज पर गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन के। सर, किस किस एरिया में होर्डिंग्स उतारे जा रहे हैं? फिलहाल हमने आज जवाहरनगर का एरिया और हमारा जो पुलिस लाइन वाला साइड वाला एरिया, धनीतार एरिया, टंडवाल और ये सराहनी वाला एरिया काउंट कर लिया है। इसके बाद पे आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ जहाँ भी होंगे हम लोग। सर, अगर कोई वापस इस तरह की होर्डिंग्स लगाता है किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जब तक ये मार्ग कोटा खंडा करेगा तब तक हम लगाएगा मुझे नहीं पता। जनरल पब्लिक से क्या अपील करेंगे? आवाम से ये कह सकते हैं, हम तो अपील नहीं कर सकते, हम जो हमारे पास गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट ही करेंगे, तो आवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा इसमें। इसके तहत 15 मार्च को मोहम्मद शहराज तहसीलदार राजौरी की अध्यक्षता में टीम गठित की गई, जिसमें राजस्व कर्मी, पुलिस थाना प्रभारी, नपा अधिकारियों ने राजौरी नगर के विभिन्न क्षेत्रों से राजनीतिक दलों द्वारा लगवाए गए होर्डिंग, पोस्टर्स और बैनर्स को हटाना शुरू कर दिया है। राजौरी से अंकित केसर की रिपोर्ट।